टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रश्मि शर्मा। ये नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के लिए आज बहुत बड़ा दिन। पीएम करेंगे सबसे बड़े इमरजेंसी सेंटर का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज इलाहाबाद में मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। आ रहा है 125 रुपये का सिक्का, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज करेंगे जारी। पाकिस्तान में रची गई पत्रिका सुजात बुखारी हत्याकांड के साजिश लक्ष्य के आतंकियों का हाथ। मुंबई के चार्टर्ड विमान क्रैश हादसे में इलाहाबाद की बेटी की मौत, सदमे में परिवार। आरटीआई का खुलासा, पीएम मोदी 165 दिन रहे देश से बाहर, विदेश दौरे पर खर्च किए 355 करोड़ रुपए। अमेरिका में अखबार के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग में 5 की मौत, हमलावर गिरफ्तार। भव्य महाराज की मौत की जिम्मेदार है डॉक्टर आयुषी, गुमनाम पत्र में आरोप। 125वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर प्रसिद्ध सांख्यिकविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस को किया याद। मोदी सरकार का फैसला, 18 लाख महिलाओं की छीन सकता है नौकरी। ममता के गढ़ मशान ने भरी हुंकार, कहा टीएमसी को जल सत्ता से करेंगे बाहर। विदेश मंत्रालय ने कहा राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा पर नहीं मिला कोई आवेदन। मालदीव में राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत ने जताई चिंता। गोयल ने मनमोहन सिंह से की मुलाकात, मानसून सत्र के लिए मांगा सहयोग। निक्की हैली ने कहा पाक को आतंकी शरण स्थली बनने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 30 जून को थम सकते हैं दिल्ली मेट्रो के पहिए, कर्मचारियों ने दी हड़ताल की धमकी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की इसराइल प्रधानमंत्री से मुलाकात। ट्रंप और पुनीत की 16 जुलाई को हेलसिंकी में होगी पहली बैठक। फीका विश्व कप में इंग्लैंड पर वेल्सन की पहली जीत। आकाश अंबानी की प्री एंगेजमेंट ग्रैंड पार्टी में शामिल हुए बॉलीवुड के कई स्टार। धन्यवाद, बने रहिए अलका टुडे न्यूज़ के साथ।